तो आप देख रहे हैं लालटेन भोजपुरी और आप लोगों का एक बार फिर से लालटेन भोजपुरी चैनल पर स्वागत है। टीजर का इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। पहली बार आप लोगों से 5000 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टीजर का थंबनेल। थंबनेल का सबसे बड़ा खासियत है कि इस टीजर के थंबनेल पे पूरे कलाकारों का तस्वीर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये पहला इंडिकेशन है कि खेसारी लाल यादव का यह फिल्म पूरे टीम को उतना ही रिस्पेक्ट दे रहा है जितना कि वो हकदार हैं, और ये बहुत बड़ा भोजपुरी के लिए प्लस पॉइंट है, इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इंटर करते हैं। शुरुआत होता है डायलॉग डिलीवरी के साथ, और डायलॉग किसका है पता है आप लोगों को? विवेक ओबराय के पिताजी सुरेश ओबराय जी का उसमें डायलॉग चलता है, स्टार्टिंग का हिंदी में जो डायलॉग चलता है वो। उसके बाद से आगे बढ़ती है सीन्स, माही श्रीवास्तव का एंट्री होता है, माही श्रीवास्तव के साथ साथ और भी कलाकारों का एंट्री होता है। आगे बढ़ती है सीन, उसमें खेसारी लाल यादव का एंट्री होता है और समुद्र का फाइटिंग सीन, वो भोजपुरी के लिए बहुत नायाब चीज है। पहली बार भोजपुरी में वो सीन्स किए गए हैं, खास करके खेसारी लाल यादव भी उस चीज को पहली बार एक्टिंग एज ए एक्टिंग किए हैं, उसमें एक्ट किए हैं। और खेसारी लाल कल जैसा कि लाइव वीडियो में बता भी रहे थे कि वो बहुत रिस्की भी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वहां से आ जाता है सीधे साउथ के कल्चर में, डायरेक्ट विदेश से पटाया से सीधे आ जाते हैं हम लोग इंडिया में। साउथ के कल्चर में वो मेघाश्री के साथ शादी दिखाया गया है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टीजर के लिए कि डायरेक्ट हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, अपने इंडियन कल्चर पे आ गए। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अपने भारत के कल्चर को नहीं छोड़ा गया है। और वहां से शुरू होता है इमोशन का सीन, खेसारी लाल यादव और उनकी बेटी, और खास करके उनकी बेटी के पैर में वो पैर से सही नहीं है, इस वजह से वो बोलती हैं, जो डायलॉग डिलीवरी भोजपुरी में देती हैं वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये भोजपुरी का सिनेमा है और भोजपुरी की भोजपुरी लैंग्वेज यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ पूरा दिखाने में हिंदी ही यूज कर रहे हैं, हम इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं, विदेशी ही दिखा रहे हैं, ये नहीं है। खेसारी लाल यादव की बेटी के द्वारा भोजपुरी में डायलॉग बुलाया गया है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे बढ़ता है फिर वो जो गन वाला सीन है, वो भी भोजपुरी के लिए नायाब है, पहली बार उतना बड़ा गन वो साउथ से लाकर भोजपुरी में इसको इस्तेमाल किया गया है, और प्लस में उतने सारे गोलियां, फिर हेलीकॉप्टर वाला सीन, ये सच में टीजर देखने के बाद लगता है कि हाँ कुछ भोजपुरी में नया हम लोग देख रहे हैं। और ये टीजर दिल छू गया, और ये टीजर एक टीम वर्क के तौर पे आप लोगों के बीच छोड़ा गया है, ना कि किसी भी कलाकार को आगे करके छोड़ा गया है। माही श्रीवास्तव, सबा खान, मेघाश्री, खेसारी लाल यादव, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, और सब ने मिल के बहुत बेहतरीन किया है, और ख़ास करके रत्नाकर कुमार जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे टीम को एक बेहतरीन सक्सेस के लिए। बाकी दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।